बिसमीम्स आई एम टीचर एजाज केमिस्ट्री ग्रेड एट लेक्चर नंबर फ़िफ्टी नाइन टेस्ट सेल पेज फिफ्टी टू टेस्ट सेल पेज नंबर पेज फिफ्टी टू सोडियम हैज़ एलेवन प्रोटान एंड ट न्यूट्रांस write the electronic configuration of the sodium atom potassium has the electronic configuration electronic arrangement 2 8 8 1 what is its proton number draw its electronic structure write the electronic configuration of nitrogen passports and argon that is test yourself is ab सॉल्व करेंगे। सोडियम हैज़ एलेवन प्रोटान एंड ट्वेल्व न्यूट्रॉन्स राइड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द सोडियम एटम सोडियम सिंबल इज़ एन एटॉमिक नंबर इज एलेवन मास नंबर इज़ ट्वेंटी थ्री अब अगर आप देख ली यहाँ पे सोडियम एटॉमिक नंबर दैट इज इक्वल टू एलेवन मास नंबर इट इज़ इक्वल टू ट्वेंटी थ्री क्योंकि इसमें ट्वेल्व प्रोटॉन है एलेवन इलेक्ट्रॉन है तो सॉरी ट्वेल्व न्यूट्रॉन है इलेवन प्रोटॉन pro है तो दोनों को प्लस करें टोटल क्या आता है ट्वेंटी थ्री आता है अच्छा अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम एटॉमिक नंबर ये एटॉमिक नंबर इसी बेस पे करेंगे दैट इज़ वन एज टू टू is 2, 2p6 two and 3 is 1. That is the electronic configuration of sodium. 1 is 2, 2 is 2, 2p6 two and 3 is 1. K is equal to 2, L is equal to 8 and M is equal to 1. Clear? That is the electronic configuration of सोडियम क्लियर अब अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रा करें तो फर्स्ट दैट इज़ न्यूक्लियस न्यूक्लियस में एलेवन प्रोटॉन हैं और ट्वेल्व न्यूट्रॉन हैं फर्स्ट शेल में इसके दो इलेक्ट्रॉन हैं सेकंड शेल में इसके एट इलेक्ट्रॉन हैं क्लियर और थर्ड शेल में इसका एक ही है। क्लियर दैट इज़ सोडियम अब टेस्ट यूर सेल्फ का सेकंड पार्ट क्या है सेकंड पार्ट में कहते हैं कि पोटाशियम हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट टू एट एट वन वट इज़ एट्स प्रोटॉन नंबर अब अगर आप पोटाशियम को देख लीजिए द सेम्बल ऑफ पोटाशियम एस के एंड द एटामिक नंबर इज नाइनटीन टू प्लस एट प्लस एट प्लस वन इससे नाइनटीन आता है ठीक है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है अब यहाँ पे अगर हम देख ले एटॉमिक नंबर ऑफ पोटाशियम दैट इज़ नाइनटीन क्लियर अब व्हाट इज़ इट्स प्रोटॉन नंबर तो द एटॉमिक नंबर शो द प्रोटॉन नंबर दियर फॉर द प्रोटॉन नंबर प्रोटॉन नंबर दैट इज़ आल्सो इक्वल टू नाइनटीन क्या आता है आपके पास नाइनटीन क्योंकि प्रोटॉन नंबर शो द इलेक्ट्रॉन नंबर द एटॉमिक नंबर नो ड्रा इट्स इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अब इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हम ड्रा करेंगे लेकिन इससे पहले अगर आप देख लें तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं वन इज़ टू टू इज़ टू टू पी सिक्स थ्री इज़ टू थ्री पी सिक्स अब थ्री डी से पहले फोर एस आ गया फोर एस वन दैट इज़ के इज एक टू टू एल इज़ एकवल टू एट एम इज एक टू एट एन एन इज एक टू वन अब इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हम ड्रा करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर किस तरह ड्रा करेंगे हमारे पास यहाँ पे आएगा फर्स्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स सेकंड शेल में एट इलेक्ट्रॉन ठीक है थर्ड शेल में फिर एट इलेक्ट्रॉन टू 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 एट लास्ट शेल दैट इज वैलेंस शेल और वैलेंस शेल में इसका एक इलेक्ट्रॉन आएगा दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ पोटाशियम एटॉमिक नंबर ऑफ पोटाशियम इज़ नाइनटीन दियर फोर इट्स प्रोटॉन नंबर इज़ आल्सो नाइनटीन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पोटाशियम इज़ वन इज़ टू टू इज़ टू टू पी सिक्स थ्री इज़ टू थ्री पी सिक्स एंड फोर इज़ वन के इज़ इक्ल टू टू इल इज इक्ल टू एट इम इज़ इक्ल टू एट एंड N इज इक्वल टू वन फर्स्ट शेल कैन अकामोडेट टू इलेक्ट्रॉन सेकंड एट थर्ड एट And last shell that is valence shell and it can accommodate. It has only one electron. Valence electron of potassium is one, and potassium can lose one electron, producing K plus. That is the ion, of potassium. Clear. Now the next one, that is what is the electronic configuration of nitrogen, phosphorus, and argon? Clear. अब नाइट्रोजन पासपोर्ट्स और आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करेंगे नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर एज सेवन एंड मास नंबर एज फोटीन और क्या है प्रोटीन है अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम करें वन इज़ टू टू इज़ टू एंड टू पी थ्री K is equal to 2 and L is equal to 5. That is the electronic configuration of nitrogen. Now, the next one that is phosphorus. Next one is phosphorus. Phosphorus symbol is P and the atomic number of phosphorus is phosphorus electronic number is 15. दैट इज़ फिफ्टीन इटामिक नंबर इज़ फिफ्टीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट इज़ वन इज़ टू टू इज़ टू टू पी सिक्स टोटल कितने आते हैं ये हो गई uh, ये हो गए टेन नौ थ्री एस टू एंड थ्री पी टू 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 फोर फोर सिक्स टेन ट्वेल्व अब फिफ्टीन है तो टोटल कितने आते हैं थ्री क्या आते हैं थ्री आते हैं अब के इज इक्वल टू टू एल इज इक्वल टू एट एंड एम इज इक्वल टू फाइव क्लियर द थर्ड वन दैट इज़ अरगान अर्गान सिंबल इज ए आर एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ अरगान इज़ एटीन Now, the electronic configuration that is 1 is 2, 2 is 2, 2p6, two 3 is 2, and 3p6. That is k is equal to 2, l is equal to 8, and m is equal to 8. That is the electronic configuration of argon. Clear? वन इज़ टू टू इज़ टू टू पी सिक्स थ्री इज टू थ्री पी सिक्स अब अगर आप अर्गान को देख लें तो फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में एट इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में फिर एट इलेक्ट्रॉन तो ऑक्टेट रूल के मुताबिक इसका लास्ट शेल जो है वो कम्प्लीट है अब का लास्ट शेल कम्प्लीट हो तो देट इज़ स्टेबल एटम एंड अर्गान कॉल्ड नोबल गैस अर्गान क्या है नोबल गैस है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है इसका लास्ट में एम एट आता है लास्ट शेल इसका कंप्लीट है ऐसे एटम्स जो है ये नॉन रिएक्टिव होते हैं ये ना इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं क्योंकि इसका लास्ट शेल जो है ये कंप्लीट होता है कंप्लीट लास्ट शेल इसका कंप्लीट है दियर फोर देखा काट लूज आर इलेक्ट्रॉन अब देख लें लास्ट शेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल से आप इसका ग्रुप नंबर भी था नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप फाइव पासपोर्स आल्सो बिलोंग्स टू ग्रुप फाइव क्योंकि इसकी लास्ट शेल में फाइव आते हैं और बिलोंग टू ग्रुप एट क्योंकि इसके लास्ट शेल में एट इलेक्ट्रॉन आते दैट इज़ ऑल अबाउट टेस्ट यूर सेल्फ